हेलो दोस्तों मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का महर्षि स्टडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा बारह का मैथ प्रश्नावली तीन दशमलव चार के बारे में ठीक है ये अभी के प्रश्नावली तीन दशमलव चार का ये पार्ट थ्री है ठीक है था इसके पार्ट वन और पार्ट टू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर देख सकते हैं ठीक है तो पार्ट थ्री में हम क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन से और दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन को नोट कर दिया है ठीक है और इसके जो बेसिक है वो हमने पार्ट वन और पार्ट टू में ऑलरेडी बता दिया है ठीक है लेकिन अब इस क्वेश्चन को हल करना है तो इसमें इस भी हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं ठीक है तो देखिए ये हमारा क्या होती है पंक्ति ठीक है जिसे इंग्लिश में रो कहते हैं इसको हम लिखते हैं ये हमारा जो है ये होता है आर वन, ठीक है ये आर होता है ठीक है ये हमारा वन है मतलब कि पहला रो है और ये हमारा दूसरा रो होता है ठीक है और ये हमारा तीसरा रो होता है ठीक है पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति इस तरह से होता है ठीक है और ये कॉलम होता है तो कॉलम के से भी हल करते हैं ठीक है थीके? लेकिन हम आपको इस रो वाला नियम बताएंगे ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे मानेंगे बराबर में ए ठीक है जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में मानते थे अब इसको हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे ए बराबर में आई ए ठीक है अब देखिए अब ए के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या दो माइनस तीन तीन दो दो तीन इस तरह से ठीक है अब बराबर लगाएंगे अब आई की वैल्यू पुट करेंगे तो आई का हो जाएगा एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक कुछ इस तरह से ठीक है इस तरह से हम कर देंगे अब इसमें देखिए इसमें क्या हो सकता है कि ये जो पहली ये जो तीसरा रो है ठीक है इसको हम पहले पहले रो के स्थान पर और पहले रो को हम तीसरे रो के स्थान पर लिख सकते हैं कैसे देखिए है? जैसे कि आर थ्री को हमें लिखना है आर वन के स्थान पर ठीक है तो इस तरह से हम बीच में ये जो सिंबल लगाएंगे इस तरह से लगाएंगे इस सिंबल का मतलब होता है कि आर थ्री को हम आर वन के स्थान पर और आर वन को हम आर थ्री के स्थान पर लिख सकते हैं ठीक है तो चलिए लिख दीजिए तो ये हो जाएगा अब इस पूरे लाइन को हम यहाँ पर करेंगे ठीक है मतलब कि ये वाला नीचे वाला हम सबसे टॉप पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा तीन माइनस दो और दो फिर उसके नीचे ये वाला है दो दो तीन फिर इसको हमें सबसे नीचे लाना है तो लिखेंगे दो माइनस तीन और तीन ठीक है ये इसका नियम होता है और इसको बस हल करने का बस यही विधि ने इससे कई प्रकार से हल कर सकते हैं ठीक है तो अब देखिए इसमें जो प्रक्रिया हुआ वही प्रक्रिया इसमें भी कर देना है तो इसमें हम ये तीसरे को पहले में करते हैं तो जीरो जीरो एक उसके बाद से जीरो एक जीरो जीरो सॉरी पहले वाला लास्ट में लाएंगे एक जीरो जीरो इस तरह से ठीक है अब देखिए इसमें हम क्या करना है ये जो हमारा वैल्यू दिया है ये में, इसको हमें इस रूप में बनाना है तो इसमें देखिए क्या है ये इसका जो विकर्ण बन रहा है ये एक एक इस तरह से बन रहा है ठीक है और यहाँ पर ये और सभी जीरो हैं ठीक है तो हमें भी क्या करना है ये जो दो दिखाई दे रहा है दो 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 इसको हमें कुछ ऐसा करना है कि ये एक एक में हो जाए और ये सभी ये सभी जितने भी अवयव हैं ये जीरो हो जाए ठीक है तो देखिए क्या करेंगे अगर हम इसको दो को इसमें अगर घटा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक आ जाएगा ठीक है मतलब कि एक लाना भी है तो हम कैसे लिखेंगे ये वाला हमें काम किस में करना है इसमें ठीक है आर वन में तो हम लिखेंगे कि आर वन आर वन में काम करेंगे ठीक है तो लिखेंगे आर वन में क्या करेंगे आर वन में माइनस कर दें अगर हम आर थ्री से तो देखिए काम बन जाएगा कैसे इसमें देखिए ये क्या है तीन है तो पहले तीन लिखेंगे करना क्या है कि आर वन में माइनस करना है आर थ्री को ठीक है तो यहां पर हम आर वन तीन लिख लिए अब इसको हम इसमें माइनस कर देंगे तो माइनस दो फिर माइनस दो यहाँ पर लिखिए अब इसको उठाकर इसमें माइनस करिए तो माइनस में और माइनस तीन ठीक है ये माइनस में इसलिए यहाँ पर हमने ऐसा लिख दिया ठीक है अब यहाँ पर दो है तो यहाँ पर लिखिए दो और फिर माइनस करना है इस तीन को इसमें इस तीन को इसमें करना है माइनस तो ये हो जाएगा तीन इस तरह से अब ये दोनों लाइन बजा ठीक है इन दोनों लाइन को उतार दीजिए दो दो तीन दो माइनस तीन और तीन इस तरह से ठीक है अब यही वाला प्रक्रिया इसमें भी करिए अब इसमें भी आर थ्री से इस आर वन में घटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा जीरो है तो जीरो लिखिए माइनस इसको इसमें घटाएंगे वन फिर जीरो लिखिए फिर जीरो को इसमें घटाएंगे तो माइनस में जीरो ठीक है एकदम विस्तार रूप से बता रहा हूँ मैं फिर वन है तो वन लिखिए माइनस में इस जीरो को ठीक है ये वाला हम इसमें घटा दिए अब बचा क्या ये और ये देखिए काम हम R1 में कर रहे हैं ठीक है तो R1 में हम इस तरह से कुछ करेंगे और ये दोनों जो लाइन बचा है इसको हम सेम सेम उतार देंगे तो जीरो एक जीरो एक जीरो जीरो कुछ इस तरह से ठीक है अब देखिए इसको सही से हम लिख दे रहे हैं तो ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा अब नीचे इसके दो दो फिर ये इन दोनों को हम क्या करेंगे ये हमारा माइनस है ये भी माइनस में प्लस में हो जाएगा ठीक है तो प्लस में तीन माइनस में दो तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा यहाँ पर घटाएँगे तो माइनस एक तो दो और नीचे तीन तीन और तीन कुछ इस तरह से आएगा ठीक है अब इसको भी माइनस वन और ये जीरो ये वन जीरो वन जीरो वन जीरो और जीरो देखिए दोस्तों इस तरह से करिएगा ठीक है ये आपको विस्तार रूप से बता रहा हूं, है ठीक है इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए अगर आपको इसको समझना है विस्तारित रूप से तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ तो हमें देखिए इसमें एक चीज़ और जान लीजिए पहले एक एक लाइन को हम बदलेंगे ठीक है इसमें क्या है पहला एक है तो देखिए यहाँ पर एक तो हमने ला दिया अब इसके नीचे दो जीरो लाना है ठीक है मतलब कि इसको भी ज़ीरो करना है इसको भी जीरो करना है तो पहले हम इसी लाइन में ध्यान देंगे उसके बाद से आगे देखेंगे अब इसको हम क्या करेंगे जीरो हो जाए तो इस दो को अगर इसमें हम घटा दें ठीक है तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो क्या लिखेंगे इसमें हम काम कर रहे हैं ठीक है आर टू में काम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे आर टू ठीक है इस तरह से हम काम कर रहे हैं क्या आर टू में माइनस कर रहे हैं हम आर थ्री को ठीक है इस तरह से तो इसको देखिए कैसे करेंगे है? हम अब यहाँ पर ये पहला वाला लाइन में तो कुछ करना नहीं है तो पहला वाला लाइन उतार लीजिए एक एक माइनस एक अब काम हमें दूसरा लाइन में करना तीसरा लाइन में भी कुछ नहीं करना है तो दो माइनस तीन और तीन कुछ इस तरह से उतार लीजिए अब करना क्या है कि आर टू में आर थ्री को घटाना है ठीक है तो इस यहाँ पर दो है तो इस दो को जब इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दो में से दो जाएगा ज़ीरो फिर यहाँ पर दो है ठीक है और दो को दो में क्या करेंगे यहाँ पर माइनस तीन है तो देखिए यहाँ पर देखिए दो है यहाँ पर माइनस करेंगे माइनस तीन से तो क्या हो जाएगा ये ये जुड़ के हो जाएगा पाँच ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा पाँच फिर यहाँ पर क्या है तीन है तो तीन में से इस तीन को घटाएंगे तो हो जाएगा जीरो ठीक है अब यही प्रक्रिया अब इसमें भी करेंगे तो पहले लाइन में कुछ नहीं करना है तो माइनस वन जीरो और वन तीसरे लाइन में कुछ नहीं करना है, तो वन जीरो जीरो अब सेकेंड वाली लाइन में हमें करना है क्या आर टू में इस आर टू में हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो में से एक को घटाएंगे तो ये माइनस वन ठीक है फिर एक में से इस जीरो घटाएंगे तो एक ही रह जाएगा फिर जीरो में जीरो घटाएंगे तो जीरो रह जाएगा ठीक है कुछ इस तरीके से अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया ये जीरो है अब इसको हमें जीरो करना है तो देखिए क्या करेंगे इसमें अगर हम आर थ्री में काम करेंगे ठीक है आर थ्री में अगर हम माइनस कर दें टू आर वन से ठीक है तो हमारा काम बन सकता है देखिए कैसे आर थ्री में हमें काम करना है ठीक है तो ये वाला और ये वाला दोनों पंक्ति को हम लिख लेंगे कैसे एक एक और माइनस एक और जीरो पाँच और जीरो इस तरह से लिख लेंगे अब हमें काम क्या करना है तीसरे में तीसरी पंक्ति में टू आर वन करना है ठीक है देखिए कैसे तीसरी पंक्ति यहाँ पर क्या है दो है तो यहाँ पर लिखिए आप देखिए यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ ये तीसरी पंक्ति क्या है दो है माइनस करना है तो माइनस लगाइए टू है तो यहाँ पर लिखिए टू आर वन है तो आर वन इसमें हमारा ये चीज़ है ठीक है तो आर वन में इसके ऊपर का आर वन कौन सा एक तो यहाँ पर गुण एक करिए तो ये क्या हो जाएगा बराबर में जीरो हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर लिख दिए ज़ीरो अब फिर क्या देखिए अब इसके लिए करेंगे ठीक है तो इसके लिए आर वन क्या है ये एक है तो लिखिए माइनस तीन और माइनस में दो घूड़े दो घूड़े आर वन है तो आर वन इसके लिए एक है तो एक तो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा तीन दो पाँच वो भी माइनस में पाँच ठीक है तो यहाँ पर लिखिए माइनस में पाँच फिर अब तीन है तो अब तीन को क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे तीन माइनस है तो माइनस लगाइए दो है तो दो लिखिए और गुणे में आर वन है तो आर वन क्या है माइनस एक है ठीक है माइनस एक तो दो गुणे माइनस दो गुणे माइनस वन तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो तीन और दो पाँच हो जाएगा ठीक है इस तरह से करिएगा तो ये इतना आ गया अब यही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे आर थ्री में हम क्या करेंगे टू आर वन को माइनस करेंगे तो माइनस वन जीरो और वन माइनस वन वन और जीरो ठीक है काम आर थ्री में करना है क्या करना है टू आर वन को घटाना है तो देखिए यहाँ पर क्या है एक है तो यहाँ पर लिखिए एक फिर क्या है माइनस करना है माइनस दो आर वन तो आर वन इसके क्या है माइनस वन है तो घोड़े में माइनस वन तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तीन ठीक है तो यहाँ पर लिखिए तीन अब ये जीरो है ठीक है तो यहाँ पर लिखिए जीरो ठीक है माइनस लगाइए फिर दो गुणे आर वन दो गुणे ज़ीरो करिए ठीक है तो क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा फिर ये भी जीरो है तो यहाँ पर लिखिए जीरो फिर माइनस तो माइनस लगाइए दो गुणे आर वन दो गुणे आर वन में क्या है एक है तो एक तो इसका आंसर क्या जाएगा? आ जाएगा माइनस दो आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर माइनस दो लिखिए ठीक है और ए लगाते रहिए तो सेम इसी प्रकार से करना है ठीक है अब हम क्या करेंगे देखिए पहला लाइन तो हमारा बन गया अब हम इसको करेंगे तो इसमें देखिए क्या करना है यहाँ पर हमें जीरो लाना है यहाँ पर एक और यहाँ पर जीरो तो देखिए इसमें अगर हम R2 टू में इस तरह से कर दें काम देखिए R2 टू में करना है R2 में अगर हम एक बटा पाँच से गुणा कर दें ठीक है तो देखिए क्या हो जाएगा ये एक, एक माइनस एक और जीरो में हम एक बटा पाँच से हम गुणा करेंगे तो ज़ीरो रहेगा अब पाँच में हम जैसे कि पाँच है इसमें गुणा करेंगे एक बटा पाँच है तो इससे इसे, इसे कैंसिल एक आ जाएगा तो इसके स्थान पर एक आ गया फिर इसमें जीरो में ज़ीरो रहेगा ठीक है अब इसमें तो कुछ करना नहीं इसको उतार देते हैं माइनस पाँच और पाँच इस तरह से ठीक है अब इसको भी माइनस वन जीरो और वन देखिए आर टू में क्या करना है मतलब ये हमारा आर टू है इसमें हमें एक बटा पाँच से गुणा करना है तो माइनस वन अगर हो जैसे माइनस वन में गुणा करेंगे एक बटा पाँच से तो बराबर में क्या आ जाएगा माइनस में एक बटा पाँच तो ये माइनस में एक बटा पाँच फिर एक में एक बटा पाँच फिर जीरो में तो ये जीरो रह जाएगा नीचे वाला तीन जीरो और माइनस दो इस तरह से करिए ठीक है तो ये तो इतना हमारा हो गया अब देखिए अब इसको आगे कैसे करेंगे अब हम इसमें क्या करें देखिए इसको हम इसमें घटा भी सकते हैं ठीक है और इसको हम क्या कर सकते हैं इसमें दो काम कर सकते हैं इसमें हम ये आर थ्री में भी एक बटा पाँच से अगर गुणा कर दें तो यहाँ पर एक आ जाएगा हमें विकर्ण एक एक बनाना है तो देखिए कुछ भी कर सकते हैं आर थ्री में हम काम करेंगे क्या कि एक बटा पाँच से गुणा कर देंगे आरथ्री में ठीक है तो ये हो जाएगा वन वन माइनस वन और जीरो वन जीरो ठीक है अब इसमें गुणा होगा जीरो में तो जीरो हो जाएगा माइनस पाँच में एक बटा पाँच से जैसे कि माइनस पाँच दिया है गुणे एक बटा पाँच इससे इसे, इसे कैंसल माइनस एक आंसर आएगा ठीक है तो माइनस एक हो गया अब इसके साथ एक हो जाएगा अब सेम प्रक्रिया इसके साथ भी करेंगे तो माइनस वन जीरो और वन अब इसके साथ माइनस में एक बटा पाँच एक बटा पाँच और जीरो अब देखिए आर थ्री में हम क्या कर रहे हैं एक बटा पाँच से गुणा कर रहे हैं तो आर थ्री हमारा ये है ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा तीन के साथ भी एक बटा पाँच तो तीन बटा पाँच हो जाएगा जीरो के साथ तो जीरो दो के साथ तो माइनस में दो बटा पाँच कुछ इस तरह से होगा ठीक है अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने ये इसी रूप में ये जो चीज़ है ये अब है इसको हम इस रूप में बनाना है ठीक है तो देखिए पहला लाइन तो हमारा बन चुका है ठीक है अब सेकेंड वे लाइन में यहाँ पर ज़ीरो चाहिए और यहाँ पर ज़ीरो चाहिए ठीक है ये हमने आपके आराम के लिए बना दिया है ठीक है तो अब देखिए अगर इसको हम इसमें जोड़ दें तो यहाँ पर जैसे वन दिया है अगर हम प्लस कर दें माइनस वन को तो क्या ये ज़ीरो हो जाएगा ठीक है तो हम क्या करेंगे आर वन में आर थ्री को प्लस कर देंगे आर वन में काम करेंगे कर क्या कि आर वन में प्लस कर देंगे आर थ्री को ठीक है तो इसको इस तरह से करिए जीरो को इसमें प्लस करेंगे तो ये तो एक रह जाएगा फिर इसको ये माइनस में है ये प्लस में है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब ये देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये भी क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा ठीक है अब देखिए काम हमें आर वन में करना था तो आर वन में हमने काम कर दिया अब इन दोनों को हम उतार देंगे जीरो एक जीरो जीरो माइनस एक और एक इस तरह से ठीक है अब देखिए अब हम इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे क्या है माइनस वन में इसको हम प्लस कर देंगे ठीक है तो माइनस वन प्लस में तीन बटा पाँच तो ये क्या हो जाएगा माइनस में पाँच प्लस तीन बटा पाँच तो बराबर में क्या है इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा दो बट्टा पाँच ठीक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में दो बट्टा पाँच फिर जीरो है यहाँ पर जीरो है नीचे भी जीरो है तो ये क्या आ जाएगा जीरो फिर यहाँ एक है और यहाँ पर क्या है माइनस दो है तो एक माइनस दो बट्टा में पाँच है तो इसको जब हम हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पाँच माइनस दो बट्टा पाँच तो क्या हो जाएगा तीन बट्टा में पाँच ठीक है तो तीन बट्टा में पाँच हो गया अब देखिए पहला हमें आर वन में काम करना था तो आर वन में हमने काम कर दिया अब इन दोनों को उतार देंगे तो माइनस में एक बट्टा पाँच और तीन बट्टा पाँच फिर एक बट्टा पाँच और जीरो फिर इसमें जीरो माइनस में दो बट्टा पाँच ठीक है और ये ए तो देखिए इतना हमारा हो गया अब देखिए आगे कैसे करेंगे इसको दोस्तों अब यहाँ से देखिए ठीक है तो इसमें अब क्या करना है अब देखिए ये वाला और ये वाला लाइन मिला ये देखिए यहाँ पर केवल हमें जीरो लाना है तो हम क्या कर सकते हैं इसको अगर इसमें हम जोड़ दें तो हमारा जीरो आ जाएगा क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है तो हम क्या करेंगे आर टू में काम आर थ्री में काम करेंगे ठीक है आर थ्री में काम करेंगे क्या करेंगे कि आर थ्री में हम प्लस कर देंगे आर टू को तो हमारा काम बन जाएगा देखिए देखिए आर वन में तो कुछ करना नहीं है तो इसको एक जीरो जीरो अब आर टू में भी कुछ नहीं करना है तो जीरो एक और जीरो काम हमें आर थ्री में करना है क्या करना है कि आर टू को जोड़ना है इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो इस जीरो में इस जीरो को जब जोड़ेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा अब ये ये जोड़ेगा तो है नहीं घट जाएगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा अब एक में जीरो को जोड़ेंगे तो ये एक ही रह जाएगा इस तरह से ठीक है अब इसमें देखिए पहला लाइन में दूसरा लाइन में कुछ नहीं करना है तो माइनस में दो बट्टा पाँच जीरो तीन बट्टा पाँच और माइनस में एक बट्टा पाँच और एक बट्टा पाँच और जीरो काम हमें तीसरी लाइन में करना है क्या करना है कि तीसरे लाइन में हमें दूसरे लाइन को जोड़ना है ठीक है तो यहाँ पर क्या दिया है तीन बटा दो और इसको हमें जोड़ना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए तीन बट्टा पाँच में प्लस करेंगे अगर हम माइनस में एक बट्टा पाँच को तो क्या हो जाएगा प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा बीच में तो ये हो जाएगा तीन बट्टा पाँच माइनस में एक बट्टा पाँच अब ये क्या हो जाएगा हर बराबर है तो आपस में घटा देंगे तो ये हो जाएगा दो बट्टा पाँच ठीक है अब जीरो में एक बट्टा पाँच को जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक बट्टा पाँच अब इसमें हम जीरो को जोड़ेंगे तो ये माइनस में दो बट्टा पाँच ठीक है ये चीज़ तो देखिए अब ये इतना हमारा यहाँ पर आ गया है और ये इसका माना आया है तो अब इसको हम क्या करेंगे ए इसके साथ गुणा करते इधर आएगा तो इनवर्स के रूप में हो जाएगा ये कैसे होता है ये हमने पार्ट टू में बता रखा है ठीक है तो अब इसको हम उतार देंगे यहाँ पर माइनस में दो बटा पाँच जीरो तीन पाँच माइनस में एक बट्टा पाँच और एक बट्टा पाँच जीरो दो बट्टा पाँच एक पाँच माइनस में दो बटा पाँच ठीक है यही इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन को भी सेम इसी प्रक्रिया से हल करेंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे बराबर में ए बराबर इसको मानेंगे फॉर्मूला हमारा ए बराबर में आई ए ठीक है तो ए की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम एक तीन माइनस दो माइनस तीन जीरो और माइनस पाँच दो पाँच जीरो अब आई की वैल्यू यहाँ पर देखिए तो एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक यहाँ पर ए ठीक है इतना हो गया अब हम क्या करेंगे इसको भी हमें इस रूप में बनाना है ठीक है ये जवाब यू है इसको इस रूप में बनाना है तो देखिए यहाँ पर तो एक है अब हमें क्या करना है इसको जीरो इसको जीरो इसको जीरो करना है ठीक है और इधर जीरो और यहाँ पर हमें क्या लाना है एक और एक ठीक है तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे तो इसमें हम क्या कर देंगे ये हमारा आर वन है आर टू और आर थ्री ठीक है अगर हम आर थ्री में माइनस कर दें देखिए आर टू में ठीक है आर टू में काम करेंगे आर टू में अगर हम आर टू में माइनस कर दें हम प्लस कर दें थ्री आर वन को तो देखिए काम बन जाएगा कैसे आर टू में काम करना है तो आर वन को उतार लेते हैं एक तीन माइनस दो और आर थ्री को दो पाँच और जीरो ठीक है अब देखिए तीन है यहाँ पर क्या है देखिए यहाँ पर यहां पर दिया है क्या माइनस तीन ठीक है माइनस तीन दिया है अब हमें प्लस करना है प्लस दो और थ्री आर वन ठीक है सॉरी यहाँ पर तीन है तो यहां पर लिखिए तीन और गुण में आर वन आर वन मतलब कि इसके ऊपर वाला एक तो एक से तो ये क्या हो जाएगा ये बराबर में जीरो आ जाएगा ठीक है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो जीरो हो जाएगा अब यहाँ पर क्या है जीरो तो यहाँ पर लिखिए जीरो फिर क्या है मतलब कि आर टू के स्थान पर इसमें जीरो है और प्लस करना है थ्री आर वन से तो प्लस थ्री और थ्री आर वन क्या है इसमें इसके ऊपर ये तीन तो बूढ़े में तीन तो आंसर क्या आ जाएगा नौ ठीक तो है तो यहाँ पर लिखिए नौ अब यहाँ पर क्या है माइनस पाँच है तो लिखिए माइनस पाँच और फिर प्लस करना है प्लस करना है थ्री आर वन से तो इसके ऊपर दो है तो तीन गुणे माइनस दो तो तीन दिनों छः ये भी माइनस में ये भी माइनस में तो बराबर में आ जाएगा ये ग्यारह भी माइनस में ठीक है माइनस ग्यारह अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे इसमें भी वही प्रक्रिया एक जीरो जीरो और लास्ट वाला जीरो जीरो एक ये उतार लिए काम हमें मिडिल वाले में करना है तो इसमें क्या करना है थ्री आर वन करना है ठीक है तो जीरो है और हमें तीन गुड़े आर वन मतलब कि तीन गुड़े एक तो यहाँ पर हो जाएगा तीन और फिर क्या है यहाँ पर एक है तो तीन गुड़े आर वन मतलब कि तीन में हम इस जीरो से गुणा करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा बचा एक तो यहाँ पर एक रह जाएगा और यहाँ पर जीरो हो जाएगा ठीक है इस तरह से हो जाएगा अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ये तो हमारा जीरो हो गया अब इसको भी जीरो करेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे कि आर थ्री में हम आर थ्री में अगर माइनस कर दें टू आर वन से तो ये भी जीरो हो जाएगा तो करिए इसको वन थ्री माइनस टू जीरो नौ माइनस ग्यारह काम हमें तीसरे लाइन में करना है क्या करना है कि हमें दो गुणे आर वन ठीक है यहाँ पर दो दिया है तो देखिए दो दिया है माइनस करना है दो गुणे माइनस दो गुणे आर वन से ठीक है तो आर वन इसके ऊपर ये वाला है एक तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ये हो गया जीरो अब यहाँ पर क्या है पाँच है तो लिखिए पाँच अब माइनस करना है माइनस दो गुणे आर वन तो इसके ऊपर ये तीन है तो ये हो जाएगा तीन ठीक है तो तीन दोनों छः तो पाँच और माइनस छः क्या हो जाएगा माइनस वन अब यहाँ पर क्या है जीरो है तो यहाँ पर लिखिए जीरो और माइनस करना है दो गुणे आर वन तो इसके ऊपर आर वन क्या है ये है दो माइनस दो है तो ये क्या हो जाएगा माइनस दो माइनस दो चार हो जाएगा कुछ इस तरह से हुआ ठीक है अब हम इसमें भी करेंगे तो एक जीरो जीरो उसको उतार लेंगे तीन एक और जीरो अब हम क्या करेंगे आर थ्री में माइनस करेंगे टू आर वन को तो ये हो जाएगा यहाँ पर जीरो है दो गुणे एक तो क्या हो जाएगा माइनस दो अब जीरो है दो गुणे इस जीरो से गुणा करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर जीरो ही आएगा एक है तो इसको हम कर देंगे दो गुणे जीरो ठीक है दो है आर वन क्या है ये वाला तो ये तो जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर एक बचेगा इस तरह से ठीक है अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे अब ये वाला देखिए ये पहला लाइन हमारा हो गया अब हम इसको बनाएंगे तो क्या कर दें इसमें हम इसमें देखिए अब यहाँ पर हमें जीरो लाना है यहाँ पर एक और यहाँ पर जीरो ठीक है तो पहले हम क्या करते हैं इसमें अगर हम घटा देते हैं आठ देखिए आर टू में हम काम करेंगे आर टू में अगर हम माइनस प्लस कर दें आठ आर थ्री से तो देखिए काम बन जाएगा कैसे काम आर टू में करना है तो वन थ्री और माइनस टू लिख लेंगे नीचे वाला जीरो माइनस एक और चार अब इसमें देखिए जीरो है यहाँ पर ठीक है तो आर टू में हम थ्री से करेंगे तो आठ गुणे आर थ्री तो आर थ्री क्या है ये वाला तो आठ गुणे जीरो तो ये तो जीरो हो जाएगा आर टू क्या है जीरो है तो यहाँ पर बचेगा जीरो ठीक है अब यहाँ पर नाइन तो देखिए नाइन है तो इसको लिखिए इस तरह से नाइन ठीक है प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाइए आठ है तो यहाँ पर आठ लगाइए आर थ्री से आठ में गुणा करना है तो इसके नीचे आर थ्री क्या है ये तो माइनस वन है तो माइनस वन से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये ये माइनस आठ नौ में से माइनस आठ को घटाएंगे तो एक बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक ठीक है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है ग्यारह है तो यहाँ पर लिखिए माइनस ग्यारह और आर टू माइनस ग्यारह है प्लस प्लस लगाइए आठ यहाँ पर लिखिए आठ और गुणे आर थ्री ठीक है आठ गुणे चार तो आठ जगह का बत्तीस ठीक है तो बत्तीस में से ग्यारह घटाएंगे तो ये आ जाएगा इक्कीस इस तरह से अब इसमें भी करेंगे हम तो इसमें भी एक जीरो जीरो और माइनस दो जीरो और एक अब इसमें हमें काम करना है ये क्या है तीन है तो यहाँ पर लिखिए आप तीन ठीक है क्या करना है प्लस करना है आठ गुड़े आठ थ्री प्लस आठ गुड़े आठ थ्री क्या है इसके नीचे वाला ये थ्री माइनस दो तो आठ दो न सोलह ठीक है माइनस सोलह हो जाएगा माइनस सोलह और प्लस तीन तो ये हो जाएगा माइनस में तेरह तो यहाँ पर माइनस में तेरह ठीक है अब यहाँ पर अब एक है तो लिखिए यहाँ पर एक और उसके बाद से क्या है प्लस आठ गुणे आर थ्री आठ गुणे आर थ्री क्या है इसके नीचे वाला ये जीरो तो आंसर इसका एक आएगा फिर यहाँ पर जीरो है तो लिखिए जीरो प्लस में आठ गुणे आर थ्री तो आर थ्री यहाँ पर है तो आठ गुणे आर थ्री क्या है एक है तो मतलब कि यहाँ पर आठ आ जाएगा ठीक है इस तरह से अब देखिए अब हम क्या कर दें इसको अगर इसमें जोड़ दें तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा ठीक है क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो अगर जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा तो हम क्या करते हैं काम आरथ्री में करना है ठीक है आर थ्री में अगर क्या करें आर थ्री में प्लस कर दें आर टू को तो, तो देखिए काम बन जाएगा कैसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे काम आरथ्री में करना है तो वन थ्री और माइनस टू और ये जीरो वन और ट्वेंटी वन ठीक है तो दोनों हम लाइन हमने लिख दिया अब हम क्या कह रहे हैं इसमें कि आर थ्री में आर टू को जोड़ना है ठीक है ये हमारा आर थ्री है इसको हमें इसमें जोड़ना है तो जीरो को जीरो हम जोड़ेंगे तो जीरो फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो प्लस माइनस जीरो इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा पच्चीस ठीक है इस तरह से अब यही प्रक्रिया इसमें भी करना है तो काम आर थ्री में करना है तो इन दोनों को उतार लेते हैं एक जीरो जीरो माइनस तेरह एक और आठ ठीक है अब क्या करना है कि इसको इसको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा माइनस में पंद्रह फिर इसको इसको जोड़ना है तो एक फिर इसको इसको नौ ठीक है कुछ इस तरह से ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको अब हम क्या करेंगे जीरो करेंगे तो देखिए अगर हम क्या कर दें आर वन में आर वन में अगर हम माइनस कर दें थ्री आर टू से ठीक है तो देखिए काम बन जाएगा कैसे आर वन में काम करना है तो एक जीरो एक और इक्कीस जीरो जीरो और पच्चीस ये हम लिख लिए और इधर भी मन करे तो लिख लीजिए माइनस तेरह एक और आठ और माइनस में पंद्रह एक और नौ ठीक है इस तरह से आर वन हमें काम करना है क्या करना है कि आर वन में से इसको हमें घटाना है ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्या है एक है तो एक है ठीक है माइनस लगाएंगे माइनस तीन गुणे आर टू तो तीन आर टू क्या है ये वाला आर टू है ठीक है तो एक के लिए आर टू जीरो होगा तो गुणे जीरो तो क्या बचेगा एक तो यहाँ पर एक बचेगा अब इसी प्रकार से तीन है यहाँ पर तो लिखिए तीन ठीक है माइनस माइनस लगाइए तीन घूड़े आर टू तो इसके नीचे एक है एक तो बराबर में क्या आ जाएगा जीरो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जीरो अब यहाँ पर माइनस दो है तो लिखिए माइनस दो ठीक है और उसके बाद से क्या है माइनस है तो माइनस करिए तीन आर टू तो लिखिए तीन आर टू क्या है आर टू हमारा इक्कीस है ठीक है तो घूड़े में इक्कीस ठीक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा तिरसठ हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या तिरसठ और दो पैंसठ ठीक है माइनस में पैंसठ तो ये हो जाएगा माइनस में पैंसठ ठीक है अब यही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे तो ये क्या है आर वन में इसमें हमें क्या करना है ये है एक तो लिखिए एक माइनस में तीन घोड़े आर टू मतलब कि तेरह ठीक है तो तेरह थी उनतालीस ठीक है उनतालीस और एक चालीस तो माइनस में माइनस में प्लस में चालीस रहेगा क्योंकि ये और ये गुणा करके प्लस हो जाएगा ठीक है तो चालीस हो जाएगा तो यहाँ पर लिखिए चालीस फिर यहाँ पर जीरो है तो लिखिए जीरो माइनस में तीन आर टू मतलब कि एक तो ये हो जाएगा क्या माइनस में तीन तो यहाँ हो जाएगा माइनस में तीन फिर जीरो है तो लिखिए यहाँ पर जीरो माइनस लगाइए तीन लिखिए और आर टू को गुणा कर दीजिए तो आर टू यहाँ पर क्या है आठ है आठ लिख दीजिए ठीक है तो आठ तरीके चौबीस माइनस में चौबीस कुछ इस तरह से ठीक है अब इसको देखिए कैसे करेंगे हम अब ये तो हमारा इतना हो गया अब हम इसको हम एक करेंगे तो देखिए कैसे कर दें कि आर थ्री में अगर हम गुणा कर दें एक बटा पच्चीस से आर थ्री में ठीक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक जीरो माइनस में पैंसठ जीरो एक और इक्कीस इसमें हम गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा इसमें गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा अब इसमें हम गुणा करेंगे एक बटा पच्चीस से तो ये एक हो जाएगा ठीक है अब यही प्रक्रिया इसमें भी करिए तो चालीस माइनस तीन माइनस में चौबीस तेरह एक और आठ फिर इसमें हम करेंगे क्या पच्चीस तो देखिए माइनस पंद्रह गुणे एक बटा पच्चीस ठीक है तो क्या हो जाएगा ये पाँच तीन पंद्रह पाँच पचे पच्चीस मतलब कि माइनस में तीन बटा पाँच माइनस में तीन बटा पाँच अब ये क्या हो जाएगा एक बटा पच्चीस फिर ये नौ बटा पच्चीस और यहाँ पर ए, ठीक है इतना हो गया अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे हम अब यहाँ पर हमें ज़ीरो लाना है और यहाँ पर हमें ज़ीरो लाना है तो अगर हम आर टू में हम देखिए आर टू में R2 में हम माइनस कर दें 21 R1 से तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा सॉरी R3 से तो ये हो जाएगा एक जीरो माइनस में पैंसठ और काम हमें R2 करना है तो जीरो जीरो और एक इस तरह से ठीक है अब इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या है R2 टू ठीक है तो जीरो हम लिखेंगे यहाँ पर लिखिए जीरो और माइनस में इक्कीस R3 थ्री तो R3 थ्री क्या है जीरो है तो गुणे जीरो तो मतलब कि जीरो आ गया यहाँ पर आएगा जीरो एक है तो लिखिए एक और माइनस करिए इक्कीस गुणे आर थ्री तो R3 थ्री यहाँ पर जीरो है तो जीरो बराबर में जीरो तो यहाँ पर भी सॉरी ये जीरो हुआ ठीक है ये बचा है यहाँ पर एक होगा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्कीस है माइनस करिए इक्कीस बूढ़े आर थ्री ठीक है तो ये वाला है एक तो बराबर में ये जीरो आ जाएगा ठीक है तो ये इस तरह से ज़ीरो आ गया अब हम इसमें भी करेंगे तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा चालीस को पहले इस तरह से लिखिए माइनस तीन माइनस में चौबीस और फिर माइनस में तीन बट्टा पाँच एक बटा पच्चीस और नौ बटा पच्चीस ठीक है मिडिल वाले में करना है क्या करना है पहले लिखिए माइनस में तेरह और माइनस में दो सॉरी इक्कीस गुणे आर थ्री ठीक है इससे हम गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा क्या तीन बट्टा पांच ये भी माइनस में है तो इक्कीस दी है तिरसठ ठीक है तो ये हो जाएगा माइनस में तेरह और माइनस में तिरसठ ये भी माइनस में और ये भी माइनस में तो हो जाएगा प्लस में ठीक है प्लस में तिरसठ बटा पाँच तो तेरह पचे पैंसठ और प्लस तिरसठ क्या हो जाएगा माइनस में दो तो बटा पाँच ठीक है तो माइनस में दो बटा पाँच हो जाएगा अब एक है तो लिखिए यहाँ पर यहाँ पर कर दे रहे हैं एक लिखिए फिर माइनस है तो माइनस इक्कीस लिखिए आर थ्री तो आर थ्री में क्या है ये चीज़ है गुणे में एक बटा पच्चीस ठीक है तो पच्चीस ये हो जाएगा पच्चीस माइनस में इक्कीस बटा में पच्चीस तो ये हो जाएगा चार बटा पच्चीस चार बटा पच्चीस ठीक है अब यहाँ पर लिखिए आठ है तो यहां पर यहां पर कर देना ठीक है आठ है ये अब क्या है माइनस है यहाँ पर तो माइनस में इक्कीस और आठ थ्री घूड़े नौ बट्टा पच्चीस ठीक है तो इक्कीस नवा हो जाएगा क्या ये नौ नौ दोनों अठारह ठीक है बट्टा में पच्चीस और आठ माइनस में ठीक है अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा दो सौ दो सौ में से जब हम नवासी को घटाएँगे तो ये हो जाएगा ग्यारह ठीक है ग्यारह बटा पच्चीस हो जाएगा ठीक है इस तरह से हमारा इतना है अब हम क्या करेंगे ये वाला जो कॉर्नर है इसको हम जीरो करेंगे तो देखिए कैसे होगा तो देखिए यहाँ पर सेम वही है जो कि हम यहाँ पर नोट कर दिए अब हम इसको क्या करेंगे कि आर वन इसमें जो पैंसठ है ठीक है ये माइनस पैंसठ इसको हमें ज़ीरो करना है ठीक है तभी देखिए ये इस रूप में होगा तो हम क्या करेंगे कि काम आर वन में करना है ठीक है आर वन में क्या करना है आर वन में प्लस कर देना है पैंसठ आर थ्री को ठीक है तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा क्या वन है ठीक है तो वन में हम यहाँ पर मान लीजिए वन है प्लस है पैंसठ है और पैंसठ में आर थ्री को गुणा करना है तो यहाँ पर क्या है जीरो है तो आर थ्री जीरो है तो पैंसठ तो और जीरो तो हो जाएगा ये जीरो ठीक है तो मतलब कि यहाँ पर हमारा एक ही रह जाएगा अब ये जीरो है अब पैंसठ गुणे आर थ्री तो आर थ्री क्या है जीरो है तो मतलब ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर ये जीरो ही रहेगा अब यहाँ पर क्या है माइनस पैंसठ है ठीक है तो इस तरह से यहाँ देखिए माइनस पैंसठ ठीक है प्लस पैंसठ और आर थ्री तो आर थ्री क्या है एक है तो गुणे में एक तो ये पैंसठ का एक से गुणा होगा तो पैंसठ और प्लस माइनस जीरो तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो तो ये जीरो एक जीरो 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 एक ये इतना हो गया ठीक है अब इसमें तो हो गया अब इसमें करना है तो इसमें क्या है चालीस है ठीक है तो यहाँ पर देखिए समझिए लिखिए यहाँ पर चालीस ठीक है प्लस लगा है तो प्लस लगाइए और यह क्या है पैंसठ है तो पैंसठ आर थ्री तो इसके नीचे ये तीसरा नंबर में यही आर थ्री है तो माइनस में तीन बटा पाँच ठीक है अब इससे इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा तेरह तेरह पच्चीस पैंसठ ठीक है तेरह तीन उनतालीस मतलब कि चालीस माइनस में उनतालीस बराबर में एक ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा एक आएगा तो देखिए काम हमें आर वन में मतलब पहले लाइन में करना था इन दोनों लाइन को पहले उतार देते हैं तो माइनस में दो बट्टा पाँच चार बट्टा पच्चीस और ग्यारह बट्टा पच्चीस तीन बट्टा पाँच एक बट्टा पच्चीस नौ बट्टा पच्चीस ठीक है इस तरह से अब इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे ठीक है माइनस तीन लिखा है तो वो इसको लिखेंगे फिर प्लस में पैंसठ और गुणे में आर्थिक इसके नीचे ये वाला है तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक बटा पच्चीस ठीक है इस तरह से अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या इसको काटेंगे तो हो जाएगा माइनस में तीन और प्लस में तेरह बटा पच्चीस ठीक है सॉरी पाँच अब इसको जब हर बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे क्या पंद्रह पंद्रह में से तेरह जाएगा तो हो जाएगा दो बट्टा पाँच माइनस में ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में दो बट्टा पाँच अब इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये आ जाएगा तीन बट्टा पाँच ठीक है वो भी माइनस में तो ये इसका आंसर हो जाएगा तो इसको एक को हम क्या करेंगे इधर ला देंगे तो ए यूनिवर्स में हो जाएगा और इसमें ये वाला वैल्यू इसमें उतार देते हैं एक माइनस में दो बटा पाँच तीन बटा पाँच माइनस में दो बटा पाँच चार बटा पच्चीस ग्यारह बटा पच्चीस माइनस में तीन बटा पाँच एक बटा पच्चीस और नौ बटा पच्चीस ठीक है यही इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 17 को भी एकदम इसी तरह हल करेंगे इसको मानेंगे ए बराबर फॉर्मूला रखेंगे ए बराबर में आई और ए अब ए की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे दो जीरो माइनस एक पाँच एक और जीरो जीरो एक तीन बराबर में एक जीरो 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 एक और जीरो ज़ीरो जीरो एक इस तरह से ठीक है अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे ये जो R2 है इसको हम R1 के स्थान पर और R1 को R2 के स्थान पर कर देंगे ठीक है R2 को हम R1 के स्थान पर और R1 को R2 के स्थान पर देखिए कैसे ये वाला पहले लिखेंगे तो पाँच एक और जीरो और पहले वाला दूसरे नंबर पे तो दो जीरो माइनस एक और तीसरे वाला को तीसरे नंबर पे ही सेम प्रक्रिया इसमें भी दूसरा वाला पहले नंबर पे जीरो एक जीरो पहला वाला दूसरे नंबर पे एक जीरो 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 एक कुछ इस प्रकार से ठीक है ठीके? अब देखिए अब इसको हम कैसे घटाएंगे यहाँ पर हमें एक लाना है ठीक है देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें एक लाना है तो हम क्या कर देंगे आर वन में काम करेंगे क्या आर वन में माइनस कर दें हम टू आर टू से ठीक है तो देखिए आ जाएगा कैसे पाँच है और ये क्या है दो गुणे दो मतलब कि दो का गुणा R2 आर टू में ठीक है तो ये है दो और आर टू क्या है दो है ये ठीक है तो दो दुना चार तो पाँच में से चार को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा ठीक है यहाँ पर हल करके आपको दिखा देना है आर वन क्या है पाँच है और माइनस करना है दो आर टू से ठीक है तो आर टू हमारा दो है ठीक है इसके नीचे वाला ये दो तो क्या हो जाएगा दो दोनों चार से एक आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर एक है तो यहाँ पर लिखिए एक माइनस करना है दो बूढ़े आर टू मतलब नीचे वाला ये जीरो तो ये क्या आ जाएगा हमारा एक आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा एक रहेगा अब ये क्या है अब यहाँ पर इसको जीरो वाला देखते हैं तो जीरो लिखेंगे फिर माइनस में दो गुणे आर टू तो आर टू क्या है एक है तो माइनस एक है तो मतलब कि ये गुड़ा होगा तो दो आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा दो अब नीचे इसको दो जीरो माइनस एक जीरो और एक और तीन इस तरीके से अब इसमें भी सेम प्रक्रिया होगी तो आर वन में हम टू आर टू से माइनस करेंगे ठीक है तो इस ज़ीरो में हम दो गुणे एक तो ये हो जाएगा माइनस में दो फिर यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा वन फिर ये भी जीरो फिर वन जीरो 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 वन और वन इस तरीके से ठीक है अब हम क्या कर दें कि इसमें से इसको अगर घटा दें तो यहाँ पर क्या यहाँ पर हमें लाना है जीरो तो देखिए आर टू में काम करेंगे आर टू में हम माइनस कर देंगे टू आर वन को तो ये हो जाएगा एक एक और दो जीरो एक तीन इस तरह से मिडिल वाले लाइन में काम करना है तो यहाँ पर हम क्या कर दें आर टू में माइनस टू आर वन ठीक है दो गुणे एक ये ऊपर वाला दो गुणे एक तो दो रहेगा तो यहाँ आ जाएगा जीरो फिर ये जीरो है ठीक है दो गुणे एक तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में दो ठीक है आप लोग कर लीजिएगा हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको फिर यहाँ पर क्या है माइनस वन है तो माइनस वन में दो गुणे दो तो चार माइनस चार और माइनस वन हो जाएगा माइनस पाँच अब इसमें भी करेंगे तो माइनस दो एक और जीरो जीरो एक और एक इस तरह से ठीक है फिर इसमें हम वन है यहाँ पर ठीक है तो वन माइनस टू आर वन करना है ठीक है तो दो गुणे दो तो हो जाएगा क्या पाँच अब ये है जीरो तो जीरो को हम क्या कर देंगे दो गुणे एक तो माइनस में दो फिर ये हो जाएगा जीरो इस तरह से ठीक है तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे आर टू में काम करेंगे र थ्री को ये आर थ्री को इसमें जोड़ देंगे ठीक है? तो देखिए आर टू में प्लस कर देंगे आर थ्री को तो ये हो जाएगा क्या वन वन टू जीरो एक और तीन इस तरह से अब इसमें आर टू में आर थ्री को जोड़िए तो इसमें हम जीरो को जोड़ेंगे तो ये जीरो हो जाएगा फिर इसको इसको जोड़ेंगे तो माइनस वन फिर इसको इसको जोड़ेंगे तो माइनस दो अब इसको हम माइनस दो एक और जीरो नीचे वाला लिख लेते हैं जीरो एक और एक अब देखिए अब जीरो को इसमें हम जोड़ेंगे तो ये पाँच ही रह जाएगा फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो माइनस एक फिर इसको इसको जोड़ेंगे तो एक और ये ए ठीक है इस तरह से अब हम क्या करेंगे इसमें इसको अगर इसमें हम जोड़ देते हैं ठीक है तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा देखिए आर थ्री में काम करेंगे आर थ्री में हम प्लस कर देंगे आर टू को तो एक, एक और दो जीरो माइनस वन और माइनस टू तो इसमें इसमें जोड़ेंगे तो जीरो फिर इसको इसको जोड़ेंगे तो जीरो फिर इसको इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा वन ठीक है फिर इसमें भी अब करेंगे माइनस दो एक और जीरो पाँच माइनस एक और एक अब इसको इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पाँच इसको इसको जोड़ेंगे तो जीरो और ये लास्ट में दो अब देखिए आगे अब हम क्या करें कि इसको अब हम इसमें जोड़ दें ठीक है इसको अगर इसमें जोड़ देते तो यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा तो मतलब कि आर वन में काम करना है क्या करना है आर वन में प्लस कर देना है आर टू को तो ये हो जाएगा वन जीरो और जीरो ठीक है ये भी इसके साथ जोड़ के जीरो हो जाएगा ये भी जीरो तो जीरो माइनस वन माइनस टू जीरो जीरो और वन अब इसमें भी हम करेंगे आर वन में आर टू को जोड़ेंगे इसको इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा तीन और जीरो और आर टू आर वन में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक पाँच माइनस एक एक पाँच जीरो दो इस तरह से ठीक है अब देखिए आगे करेंगे हम तो इसमें अब क्या करें हम अब ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा माइनस में तो इसको हम कर दें इसमें अगर आर टू में हम माइनस वन से गुणा कर दें तो ये प्लस में हो सकता है देखिए कैसे आर टू में हम आर टू में गुणा कर दें हम माइनस माइनस वन से गुणा करेंगे ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा वन जीरो जीरो और जीरो वन टू जीरो जीरो और वन फिर ये तीन जीरो एक और माइनस में पाँच एक और माइनस एक पाँच जीरो दो और ये ए ठीक है अब इसको देखिए आगे करेंगे अब देखिए यहाँ पर भी हमें ज़ीरो लाना है तो हम क्या कर देंगे आर टू में काम करेंगे आर टू में हम माइनस कर देंगे टू आर थ्री से तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा वन ज़ीरो जीरो जीरो वन ठीक है अब ये हो जाएगा ज़ीरो ठीक है जीरो जीरो और वन इस तरह से अब इसमें भी करेंगे तो तीन जीरो एक अब इसमें देखिए अब हम क्या करेंगे आर टू में टू आर थ्री से माइनस करेंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्या है पाँच है माइनस पाँच तो माइनस पाँच लिखिए फिर माइनस है तो माइनस दो है तो लिखिए दो और गुणे में आर थ्री मतलब इसके नीचे ये वाला तो ये पाँच तो पाँच दो दस, दस और पाँच पंद्रह ठीक है तो माइनस में पंद्रह आ जाएगा फिर ये यहाँ पर है वन तो लिखिए वन फिर माइनस लगाए तो माइनस लगाइए दो गुणे आर थ्री जीरो ठीक है तो ये आ जाएगा वन फिर माइनस वन है तो लिखिए माइनस वन और माइनस में दो गुणे आर थ्री है ठीक है तो, 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 तो इसे दो से गुणा करिए तो दो दोनों चार एक पाँच तो माइनस में पाँच और ये पाँच जीरो और दो और ये ए ठीक है तो ये चीज़ हो गया अब हम क्या करेंगे इसका आंसर अब कैसे लिखेंगे आंसर लिख देंगे हम ए इनवर्स करके और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे तीन जीरो एक माइनस में पंद्रह एक माइनस पाँच और पाँच जीरो दो ठीक है यही इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो चलिए अब इस, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि आब ए तथा बी ठीक है ए तथा बी एक दूसरे के उत्क्रम होंगे किस कंडीशन में जब ए बी बराबर होगा बी ए के या ए बी बराबर बी ए बराबर में जीरो ठीक है इस कंडीशन में या फिर जब ए बी बराबर जीरो हो और बी ए बराबर एक हो तब होंगे या फिर ए बी बराबर बी ए बराबर में आई तब क्या इस कंडीशन में ए? ए बी का व्युत्क्रमानुपाति होगा ठीक है तो देखिए इस क्वेश्चन को हम देखिए बुक में ही इसका कंडीशन दिया गया है ठीक है देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर ए बी बराबर बी ए बराबर आई ठीक है जब ये चीज हो तो बी को ए का व्युत्क्रम आ कहते हैं ठीक है अगर ये चीज़ आपने पढ़ा होगा तो ये आप केवल देखकर बता सकते हैं कि इसमें आंसर कौन सा है ठीक है तो इस बुक के हिसाब से ये वाला डी नंबर हमारा यही इसका आंसर होगा ठीक है तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद